मदीना शरीफ में जो खाने के काउंटर थे जहाँ जिस दिन उन लोगों ने ऊँट का दूध पिया था, अगर आप नोटिस करोगे उस दिन आंटी जी का जो मूड थोड़ा सा ऑफ था, क्योंकि छोटी बहू ने जो है कि सास को कंट्रोल करने की कोशिश जो कोशिश हुआ नाकामयाब, और कोशिश के चलते सास और छोटी बहू का हुआ झगड़ा, जिसके चलते सास ने जो है छोटी बहू को किया साइड और छोटी बहू अब पड़ गई अकेली, जिसके चलते ब्लॉग के स्टार्टिंग में नाजियापा का नाम लिया गया, जीनी का नाम लिया गया, नूर का नाम लिया गया, लेकिन छोटी बहू का नाम नहीं लिया गया। ब्लॉग के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अगर देखोगे सभा का, जिस सभा के वाहवाही में हर लोग जुट गए थे, चाहे वो जेठ हो, चाहे सास हो, चाहे जेठानी हो, ननंद हो, हर कोई, उस सभा का आज जो है जिक्र तक नहीं हुआ, ना फिक्र तक हुआ। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रियाज भी आके जो है हॉल में उन लोगों के साथ बैठ गया था अनबॉक्सिंग करने सारी चीज़ों को, लेकिन सभा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि सभा को भवन में चली गई थी, क्योंकि सभा की जो है क्लास सब ने लगा दी मेरे ख्याल से, इस वजह से क्योंकि सास के साथ पंगा सभा को बहुत भारी पड़ गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दोस्त बहुत अच्छी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जा होंगे खैर खैरियत होंगे। तो आज मेरा कोई व्लॉग नहीं आया, जिसके कारण ये था कि मैं थोड़ा सा बिजी थी, रमज़ान आ रहा है और मैं दोपहर को थोड़ा सोई भी थी, रेस्ट ली थी, और घर में साफ़ सफाई, बच्ची का स्कूल जाना, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो है मैं आज वीडियो नहीं डाली। आज मैंने ब्रेक लिया था, अभी टाइम मिला तो अभी मैंने वीडियो जो है एक वीडियो शूट करके डाल ली हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग जो है शेरू भाई का व्लॉग आया, जिसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा मुमताज़ आंटी ने जो है राबिया रूबिया या कोई सब्सक्राइबर है, तो आंटी जी जो है जहाँ नमाज बता रही सबका, उज़्मा का, यूसुफ का, सबका जहाँ नमाज की बात कर रही थी। तो आंटी जी एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, जहाँ नमाज तो आपने ले ली, लेकिन ये इस्तेमाल को भी आएगा? क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है और बाकी जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर नहीं बोलूँगी, मेरे फैमिली मेम्बर्स है, उनका ख्याल है आप लोग तो नमाज़ पढ़ते ही नहीं हो, तो जहाँ नमाज तो ऐसे कैसे ही रह जाएगी मेरे ख्याल से। और बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की, जी हाँ आपने सही सुना, अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मदीना शरीफ में जो खाने के काउंटर थे जहाँ जिस दिन उन लोगों ने ऊँट का दूध पिया था, अगर आप नोटिस करोगे उस दिन आंटी जी का जो मूड थोड़ा सा ऑफ था, क्योंकि छोटी बहू ने जो है कि सास को कंट्रोल करने की कोशिश जो कोशिश हुआ नाकामयाब, और कोशिश के चलते सास और छोटी बहू का हुआ झगड़ा, जिसके चलते सास ने जो है छोटी बहू को किया साइड और छोटी बहू अब पड़ गई अकेली, जिसके चलते ब्लॉग के स्टार्टिंग में नाजियापा का नाम लिया गया, जीनी का नाम लिया गया, नूर का नाम लिया गया, लेकिन छोटी बहू का नाम नहीं लिया गया। ब्लॉग के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अगर देखोगे सभा का, जिस सभा के वाहवाही में हर लोग जुट गए थे, चाहे वो जेठ हो, चाहे सास हो, चाहे जेठानी हो, ननंद हो, हर कोई, उस सभा का आज जो है जिक्र तक नहीं हुआ, ना फिक्र तक हुआ। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो रियाज भी आके जो है हॉल में उन लोगों के साथ बैठ गया था अनबॉक्सिंग करने सारी चीज़ों को, लेकिन सभा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि सभा को भवन में चली गई थी, क्योंकि सभा की जो है क्लास सब ने लगा दी मेरे ख्याल से, इस वजह से क्योंकि सास के साथ पंगा सभा को बहुत भारी पड़ गया। और जो शेरू और नूर अम्मी को बहुत मिस कर रहे थे, अम्मी के आने के लिए इतने एक्साइटेड हो रहे थे, लेकिन नूर की शक्ल में जो बारह बची हुई थी, नूर को दूर दूर से भी कहीं से भी देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी देखोगे कि यूसुफ जो है बहुत ही बदतमीज़ बच्चा हो गया है, उसमें जो है ना मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। उसके हिसाब से अगर उज़्मा को देखो तो जैसे यूसुफ का खिलौनों को लेके जैसे जिस तरीके से ना बेसब्र हो रहा था, मैं मतलब कि एकदम वो हो गया था ना, उज़्मा उसी जगह पे बैठ के भी शांत बैठी हुई थी, क्योंकि नाज़ियापा जो है उज़्मा को बहुत अच्छी तरबियत दे रही है, और नाज़ियापा का जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन शेरू भाई और नूर को तो व्लॉगिंग करने से फुर्सत ही नहीं है, बच्चों को मैनर्स क्या ही सिखाएंगे, वो ये चीज़ भूल गए शायद, क्योंकि पैसा तो आज है कल नहीं है, पैसा तो कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को अच्छी तरबियत देना भी बहुत ज़रूरी है, कि बच्चे ही माँ बाप की जो है आगे की नस्ल को बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, इस घर के लिए देखो, पैसा आजकल के ज़माने में हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे आप हो, मैं हो, मेरे माँ बाप हो, आपके माँ बाप हो, ईच एंड एवरी वन, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ ना फैमिली को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। एक कहावत है इंग्लिश में, फैमिली कम्स फर्स्ट, ये कहावत ऐसी ही नहीं है, क्योंकि फैमिली सच में कम्स फर्स्ट होती है, लेकिन ये चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आती, ये लोग बस गिफ्ट, शॉपिंग, सामान, खाना पीना, इन्हीं चीज़ों में जो है इनकी ज़िंदगी एकदम उलझ के रह गई है। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो नाज़ियापा जो है वो नहीं आई,
नहीं आने का कारण क्या है वो आपको मेरे दूसरे चैनल के ब्लॉग में मिल जाएगा, कल के कल बनाओ या आज बनाओ लेकिन कल तक तो मिल जाएगा ज़रूर। ये बात आप लोगों को भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि नाज़िया अपन ना छोड़ते टाइम गई ना लाते टाइम गई ना आज आई, और जब उमरा जा रहे थे तो एकदम लास्ट के दिन ही आई, जिस दिन निकल रहे थे उसके पहले वाले दिन आई। सो उसका रीज़न उसके डिटेल्स में वीडियो एक बनाऊँगी जो मेरे दूसरे चैनल हिंदू मुस्लिम फैमिली ब्लॉग्स में जाएगा। और तो और रियाज जो है इंडिया में आके भी अहमद परफ्यूम का ऐड करना जो है वो नहीं भूले, क्योंकि मेरे ख्याल से अहमद परफ्यूम का मतलब इनके प्रमोशन का रेस्पॉन्स शायद रियाज को अच्छा खासा रकम के तौर पे मिला है, अहमद परफ्यूम को अच्छा रेस्पॉन्स मिला और रियाज को भी अच्छा खासा प्रमोशन का पैसा मिला, तभी जाके वापस से शायद इंडिया आके भी वह अहमद परफ्यूम का जो है ना प्रमोशन करना उसने नहीं बोला। कम से कम 5-10 मिनट तो अहमद परफ्यूम के ही प्रमोशन किया। और तो और इनके सब्सक्राइबर आए उनसे मिलने, दस्तरखान, गिफ्ट्स, अलबेक का चिकन सब कुछ लेकर आए। वैसे तो ये इबादत करते टाइम भी व्लॉगिंग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, व्लॉगिंग करते रहते, कैमरे हाथ से छूटता नहीं। पूरा उमरा गया, हर लोग बोलने लगे कि अब उमरा पे ध्यान दो, उमरा पे ध्यान दो, व्लॉगिंग पे नहीं, व्लॉगिंग बाद में कर लेना, उमरा पे ध्यान दो, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। इनके लिए जो है व्लॉगिंग में हर चीज़ दिखाना बहुत ज़रूरी था, ऐसा लग रहा था थोड़े टाइम के लिए मानो कि वो लोग उमरा को नहीं खाने घूमने व्लॉगिंग करने के लिए गए हैं। लेकिन इनके सब्सक्राइबर कब आए, कब मिले, दस्तरखान गिफ्ट किया, ये किया वो के इतनी बड़ी बड़ी बातें करी लेकिन सब्सक्राइबर दिखाई नहीं दिए। वैसे हर चीज शेयर करते लेकिन जो बात मुद्दे की होती है शेयर करनी वो तो शेयर करते ही नहीं। और अब्बा के लिए तो कस्तूरी इतना लाया गया लेकिन ना अब्बा छोड़ते टाइम दिखाई दिए, ना आते टाइम जब आए तब भी रिसीव करते दिखाई दिए, ना घर में दिखाई दिए, ना दूर दूर तक दिखाई दिए, लेकिन अब्बा के नाम की कस्तूरी परफ्यूम जो सॉरी मेरी बेटियाँ थी अब्बू को सुसु आया तो वो आके मुझे इशारा कर रही थी तो मैंने उसको सुसु करवाया, तो वही मैं बोल रही कि अब्बा के लिए तो कस्तूरी इतर आ गया लेकिन अब्बा दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। मुझे लगता है कि अब्बा को जो है अब्बा बेटी की इद्दत जो है वो पूरी कर रहे हैं, शायद इसके लिए अब्बा जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आंटी जी हमारे कंजूस, मुफ्त का जो है उमरा को गए, मुफ्त का होटल में खाना खाए, मुफ्त का रुके, मुफ्त का सब किया लेकिन आंटी जी ने एक पैसा नहीं खर्च किया। अब लोग भी बोल रहे थे कि भाई तुम मुफ्त का सब कुछ कर लिए लेकिन पैसा जो है खर्चा नहीं किया, तो इसके बहाना के स्वरूप आंटी जी ने बोला कि मुझे इतना सारा गिफ्ट मिल गया, इतना वजन हो गया, इसके लिए मैंने आधी शॉपिंग की ही नहीं। भाई सऊदी गए हो, आप जाना हो या ना जाना, लोग लगेज अगर ज़्यादा भी होता है तो पैसा देके लगेज का वो करते हैं लेकिन शॉपिंग ज़रूर करते हैं। लेकिन आंटी जी एक महान खलीफा औरत ऐसी है जो लगेज जो है वज़न ज़्यादा हो जाएगा, जिसके लिए आंटी जी ने शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं किया। आंटी जी झूठ तो थोड़ा उम्र देख के बोलो, और अभी अभी उमरा करके आई हो, उमरा का तो थोड़ा लिहाज रख ही सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आंटी जी ने उमरा किया इसके लिए आंटी जी के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आंटी जी आज भी वही की वही है, ज़ोर ज़ोर से हंसने वाली। और आज तो फिर भी अभी भी नवा नवा आया है, आई है आंटी जी, तो अभी सर पे दुपट्टा है, दो दिन बाद दुपट्टा भी नहीं रहेगा, सिर्फ मैक्सी पहन के घूमेगी, शिर्क करना, दरगाहों पे जाना, तो ये सारी चीज़ें आंटी जी की कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि आंटी जी कभी नहीं सुधर सकते। और इसी चीज़ के लिए अंकल जी शायद आंटी जी से दूर भागते हैं, और उमरा करके आने का क्या ही फ़ायदा जब आके ही झूठ बोलना हो। इनफैक्ट आंटी जी ने तो उमरा करते टाइम जब नीयत बांध लिया था, वजू कर लिया था, तभी झूठ बोला था, अंकल जी को 15 दिन के लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। आंटी जी को हाँ इतना दर्द हुआ, आंटी जी को इतनी फिक्र हुई अंकल जी की, लेकिन वही अंकल जी जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे, अंकल चिप्स बन गए, अंकल जी तो दिखाई ही नहीं दे, एक मिस्ट्री बन के रह गए अंकल जी। और अब तो छोटी बहू के साथ साथ बड़ी बहू का भी क्लास लगने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बड़ी बहू भी कुछ खास खुश नहीं थी। नूर की आप अगर शक्ल देखोगे तो शक्ल में 12 तो बजा हुआ था, ये तो सच बात है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्वामी आज की दुआ की दरख्वास्त है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर कीजिए, अगर मेरे साथ मैच हो रहा हो, बाकी तो बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में ज़रूर मुझे याद रखिएगा, एंड बाय।